नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कि मेरे पास एक और बहुत ही अच्छा कमेंट आया है, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, छोले और पूरी रसगुल्ले 50 लोगों के लिए कितना खर्चा बन जाएगा भाई। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर इनका नाम है रेखा निकी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमारे चैनल में कॉमेंट किया है। जो कि हम मान के चलते भाई साहब, आपको जो चीजें और खर्चा बताने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जो कि इस चीज को आपने ध्यान रखना है भाई। जो मैं आपको कोई भी चीज का रेट बता देता हूँ, ठीक है, उस रेट को आप फिक्स मान के मत चलना भाई। जो कि क्योंकि हम सब्जियां है कुछ है, आज मैंने सब्जी का कोई 40 का भाव लगा लिया है, वो कल को 45 या 50 का भाव हो जाएगा। हम मान के चलते हैं मैक्सिमम, ये मान लीजिए हमने जो चीजें बताई है उसका जो भाव मैंने बताया है उसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हो बाद में, ठीक है ना। जो कि मैं फिलहाल का रेट जो चल रहा है पर डे या पर दिन घटता बढ़ता रहता है रेट, सब्जी मंडी का है या किराने का सामान का कुछ परसेंट या मैक्सिमम आपको 200, 400, 500 रुपए तक का फर्क देखने को मिलेगा, जो मैं फिक्स आपको एस्टिमेट बताऊंगा, ठीक है ना। जो कि हम मान के चलते एक के जी छोला, जो कि मैंने यहाँ पर छोला का रेट लिया है 50 लोगों के लिए, हम दावत के अंदर सब्जी बनाएंगे जो कि 80 से 100 रुपए मिलते हैं आपको, ठीक है। 100 रुपए मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। और 500 ग्राम आलू, जो कि मैंने 10 रुपए यहाँ पर आलू के लगाए, 15 से 20 रुपए आलू का भाव है। जो कि हम ये मानते भाई हम प्योर छोले की सब्जी बनाने वाले हैं यहाँ पर, आप ये मत मानना भाई आलू छोले की सब्जी है, थोड़े बहुत आलू डालने की आवश्यकता होती है इसके अंदर, ठीक है। यदि हम आलू की सब्जी बनाते तो इसके अंदर 1 किलो के अंदर मैक्सिमम 5 किलो आलू डालते हैं, ठीक है ना। ये हमने 500 ग्राम आलू लिए यहाँ पर, ठीक है। 500 ग्राम कोई ज्यादा आलू नहीं होते 1 किलो छोले के अंदर, इससे अच्छी तरीदार सब्जी बन जाएगी, ठीक है। और 1.5 केजी टमाटर, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर 70 रुपए लगाए हैं, 40 से 45 रुपए का भाव चलता है यहाँ पर टमाटर का, ठीक है, मैंने 70 रुपए लगा दिए 1.5 केजी टमाटर के। और 1 केजी प्याज, जो कि मैंने यहाँ पर 20 रुपए लगाए हैं, ठीक है, जो कि मान लीजिए 18 से 20 रुपए का भाव चल रहा है प्याज का, ठीक है, 100 के 7 केजी, 100 के 8 केजी इस प्रकार से, ठीक है। और 100 ग्राम हरी मिर्च लगा ली 10 रुपए, और 50 ग्राम अदरक, मतलब 50 ग्राम लहसुन 10 रुपए, और 20-30 ग्राम अदरक मैंने उसके भी 10 रुपए लगा लिए। और 5 केजी रिफाइंड, जो कि इसके अंदर हम सब्जी बनाने वाले हैं और पूड़िया निकालने वाले हैं, ठीक है, जो कि 160 से 170 रुपए रिफाइंड का भाव है, जो कि मैंने 800 रुपए लगा लिए यहाँ पर, ठीक है। और 50 ग्राम अजवाइन, जो कि मैंने 20 रुपए लगाए यहाँ पर, ठीक है। 10 ग्राम हींग, 30 रुपए मैंने यहाँ पर लगा लिए हींग के। और बड़ी इलायची 10 ग्राम, 20 रुपए मैंने इलायची, 10 ग्राम तेज पत्ता 10 रुपए मैंने यहाँ पर लगा लिए तेज पत्ते के, ठीक है। 5 रुपए का मीठा सोडा, जो कि हम छोले गलाने के लिए थोड़ा यूज करेंगे सोडा, ठीक है। और एक 10 रुपए वाला गर्म मसाला और 10 रुपए वाला मीट मसाला, यहाँ पर आपने चना मसाला या किचन किंग मसाला कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप ये थोड़े थोड़े डाल लेना, ठीक है। और इसके अलावा एक पैकेट कस्तूरी मेथी, जो कि हम थोड़ी सी तो सब्जी के अंदर डाल लेंगे, थोड़ी पूड़ी के अंदर, ठीक है। और 50 ग्राम हल्दी पाउडर और 50 ग्राम मिर्ची पाउडर और एक पैकेट देगी मिर्ची, जो कि 80 रुपए यहाँ पर देगी मिर्च के लगाए हैं। और 100 ग्राम काला नमक 10 रुपए और 1 केजी नमक सफेद, जो कि 20 से 25 रुपए, ठीक है। और इसके अंदर हम मान के चलते हैं 15 किलो रसगुल्ले लग जाएंगे, ठीक है, जो कि मैक्सिमम आपके पास जो भाव चल रहा है भाई 80, 85, 90, 100, 120 रुपए जो भाव है रसगुल्ले का वो लगा लेना, जो कि मैंने यहाँ पर एक बार 90 रुपए यहाँ पर भाव लगा लिए, ठीक है, रसगुल्ले के। और एक गैस सिलेंडर लगा लिया मैंने, जो कि हम जो चीज मैंने बताई है उसको हम फिक्स करके देखते हैं। यदि हम प्योर सैंपल खाने का लगाते हैं, सैंपल खाने का, जो कि मैंने मसाले बताए यहाँ पर, इनका प्योर खाना आपका बन करके रेडी हो जाएगा 1400 रुपए में, ठीक है। यदि हम रसगुल्ले भी इसके साथ लगाते हैं, रसगुल्ले खाने के अंदर, जो कि प्योर खाना मैंने बोला है छोले और पूड़िया, ठीक है,
और रसगुल्ले भी साथ में लगाते हैं तो 2700 रुपये खर्चा हो जाएगा। और मैंने एक लगाया था गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर 1000 से 1100 रुपये रेट समता है। यदि गैस सिलेंडर का भी यहाँ जोड़ते हैं लगभग आधा गैस सिलेंडर ना 2 से 2.5 किलो गैस लग जाएगी, वो आप कर्सिंग लगा सकते हो या एक सिलेंडर का पैसे लगा सकते हो। ठीक है, यह गैस के भी हम खर्चा जोड़ते हैं तो लगभग 3800 रुपये खर्चा बन जाएगा, जो कि मैंने एक एक चीज विधि पूर्वक पूरी डिटेल से आपको समझा दी है। आपने हमारी वीडियो जरा सी पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।